रुद्रप्रयाग से आपको बताएं जहां से एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें पहाड़ टूटने की आपको हम दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग 109 पर बांसवा के पास पहाड़ी टूटने का जबरदस्त लाइव वीडियो सामने आया है। जब पहाड़ी टूट रही थी तब सड़क पर चलने वाले किसी ने इसको कैमरे में शूट कर लिया। 2 मिनट का ये वीडियो देखकर सब कोई हैरान है। आपको बताते चले कि पहाड़ों पर इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। चारों ओर नदी नाले पहाड़ी अपना कहर बरपा रहे हैं और बारिश के कारण चारों ओर जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोग कठिनाइयों से सड़क मार्ग, पैदल मार्ग, नदी नाले बड़ी मुसीबतों के साथ पार कर रहे हैं। ये खौफनाक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिवली, जहां पर किस तरह के हालात बने हैं। और बड़ी बात, चिंता वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही हालात रहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मार्ग बाधित होने की, लोग भी इसमें जुटे हैं कि कैसे मार्ग को साफ किया जा सके। पौड़ी गढ़वाल में भी फरासू हनुमान मंदिर के पास पहाड़ियों से आ रहे मलबे पत्थरों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बंद कर दिया गया है। सड़कों पर बोल्डर आने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। श्रीनगर में बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो देखिए, हरिद्वार में भी बारिश से बुरा हाल है। कुछ घंटों की बारिश में शहर के जो मुख्य चौराहे हैं, गली मोहल्लों में जल जमाव हो गया है। देर रात हुई बारिश से सड़कों का नजारा एकदम बदला हुआ है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए जरा आप, और ये देखिए स्विमिंग कर ले रहे हैं लोग, इतना ज्यादा जल जमाव हो गया है। कई लोग इस आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं और जल जमाव में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। चमोली बद्रीनाथ धाम के बीच में भी लामबगढ़ नाला बारिश में अचानक से उफान आ गया, जिससे कि जो नाले हैं वो भर गए और विकराल रूप धारण कर लिया। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि सड़क के ऊपर से बहने लग गया, जिससे हाईवे का 20 मीटर हिस्सा बह गया। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत से ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। रुक कर लेते हैं हेमकांत नौटियाल का, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया। हेमकांत नौटियाल, जगह जगह आफत की बारिश हो रही है और यही नहीं मार्ग भी बाधित हो रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। अभी फिलहाल कैसी ताजा स्थिति है? देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तरकाशी में येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है, जिसके चलते जो यहाँ पर कल रात्रि से बारिश हो रही है, अभी भी जो है हल्की बूंदाबांदी हो रही है। सुबह से भी बारिश हो रही थी। तो बारिश होने से जो गंगोत्री और जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद और खुल रहा है। सुबह जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नौगांव के पास में बंद हो गया था, और जिसके चलते हैं वहां पर 2 घंटे तक जो है मार्ग बाधित रहा और लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग जो है जेसीबी के माध्यम से जो है नाले को पार कर रहे थे। वहीं मैं आपसे बात करूं तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी जो है लगातार खुलता है और बाधित है, और अभी भी उत्तरकाशी में लगभग 17 दिन मोटर मार्ग ऐसे पिछले 1 हफ्ते से बंद है। तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें जो है लोगों के सामने, खास करके आवागमन को लेकर जो है हो रही है, क्योंकि बिल्कुल नौटियाल। और बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में भी ऐसी हालात रहने की उम्मीदें व्यक्त की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे